हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना होना, जिसे हम आसान भाषा में देशभक्ति भी कह सकते हैं। तो आखिर हमारे देश इंडिया के लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई और इस फीलिंग को पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 से। ये वो साल थी जब विश्व की दो महान शक्तियां आपस में लड़ाई लड़ने लगती हैं। एक तरफ थी अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में थे रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये देश आते थे, और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन अम्पायर आते थे। तो ये दोनों ही पावर आपस में लड़ाई लड़ रही थी और इसी लड़ाई को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना गया। अब आप लोग जरा ध्यान दो, इसमें जो ब्रिटेन है वो भी ये लड़ाई लड़ रहा था। हमारी इंडिया का डायरेक्टली इस वॉर से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन था, क्योंकि उस समय पर जो ब्रिटेन था वो हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा बनाए हुए था। यानी कि उस समय पर हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। चूँकि ब्रिटिशर्स इस वॉर को लड़ रहे थे और हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, इसलिए इस वॉर का इम्पैक्ट हमारी इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा था। अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, चलिए जानते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। पहला, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो वॉर लड़ रहे थे, जिस वजह से वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे और उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा देती है और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर देती है। टैक्स बढ़ाने के कारण महंगाई बढ़ती जा रही थी, हर वस्तु की कीमत लगभग दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे, लोगों का बुरा हाल था। ऊपर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन लोगों को ज़बरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर रही थी, जिस वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारे देश के लोग परेशान तो थे ही, ऊपर से जो प्रकृति थी वो भी हमारा साथ नहीं दे रही थी। 1918-19 और 1920-21 की जो फसलें थी वो बरसात ना होने के कारण ख़राब हो जाती हैं और देश में खाने की कमी हो जाती है, जिस वजह से लोग भूखे मरने लगते हैं। और साथ में यही वो समय था जब देश में एक महामारी फैल रही थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिससे कई सारे लोग मर जाते हैं। दोस्तों 1921 के सेंसस के हिसाब से ये बताया जाता है कि इंडिया के लगभग 13 मिलियन लोग मर जाते हैं इस भुखमरी और इस महामारी के कारण। लोगों को लग रहा था कि ये समस्या बॉर के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब दोस्तों ये जो परेशानियों का दौर चल रहा था, इस दौर में लोगों को ज़रूरत थी एक ऐसी लीडर की जो इनकी समस्याओं को ख़त्म करे। तो फाइनली जनवरी 1915 में एंट्री होती है द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया की, यानी कि महात्मा गांधी की। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं और एक आइडिया लेकर आते हैं जिसका नाम था सत्याग्रह। ये आइडिया था नॉन वायलेंस का, यानी कि अहिंसा का। गांधी जी कहते थे कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी है उसे हम प्रेम से लड़ेंगे, बिना किसी अस्त्र का इस्तेमाल किए, सत्य की राह पर चलकर और शांतिपूर्ण तरीके से। गांधी जी ने इंडिया आने से पहले साउथ अफ्रीका में 1906 में अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन ऑर्गेनाइज किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के रेसिज्म सिस्टम के खिलाफ था। गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा था और उनके इस नए आइडिया की वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका में खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। और फिर जब वो इंडिया आए तो उन्होंने भारत में भी 3 अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। तो भारत के अंदर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में स्टार्ट किया था, जो कि था चंपारण बिहार में। तो ये लॉन्च किया गया था इंडिगो फार्मर्स के लिए। उस समय पर क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इन फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो की फसल उगाने के लिए, यानी कि नील की फसल उगाने के लिए, और जहाँ कहीं भी ये फसल उगाई जाती थी वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। ऊपर से जो ब्रिटिशर्स थे वो इन किसानों को पैसे भी कम दे रहे थे, मतलब एक तो किसानों की ज़मीन भी ख़राब हो रही थी, ऊपर से उन्हें पैसे भी कम मिल रहे थे। तो इस बात से जो किसान थे वो परेशान थे। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, सारे किसानों को इंस्पायर करते हैं और मिलकर स्ट्रगल करते हैं और आवाज़ उठाते हैं इस प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। तो यहाँ पर सक्सेस मिलने के बाद 1917 में ही गांधी जी जाते हैं गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर भी किसानों की कंडीशन ख़राब है। वहाँ के किसानों के साथ क्या हो रहा था कि उनकी जो फसलें थी वो ख़राब हो गई थी,
और एक प्लग नाम की बीमारी भी फैल रही थी वहाँ पर, जिस वजह से जो किसान थे वो टैक्स या रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो गांधी जी इन फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं और लॉन्च करते हैं अपना दूसरा सत्याग्रह और डिमांड करते हैं रिलैक्सेशन की। तो गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह था वो भी सक्सेसफुल रहता है और जो किसानों का टैक्स या रेवेन्यू था वो भी माफ़ हो जाता है। इसके बाद 1918 में गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हो रहा था कि जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम वेजेस मिलती थी, यानी कि उनको बहुत कम पैसा मिलता था। तो जो वर्कर्स थे वो परेशान थे क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए जो वर्कर्स थे वो थोड़े ज़्यादा वेजेस की डिमांड कर रहे थे। तो इसके लिए जो गांधी जी थे वो उनके सपोर्ट के लिए वो अपना तीसरा सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च करते हैं और मांग करते हैं उनकी वेजेस बढ़ाने के लिए। तो ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहता है। तो गांधी जी लगातार तीन बड़े बड़े सत्याग्रह आंदोलन करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जो कि सक्सेसफुल रहते हैं। अब दोस्तों जो आंदोलन हो रहे थे देश के अलग अलग जगहों पर, ये सब देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो शांत थोड़ा रहेंगे। ब्रिटिशर्स को इस बात से आ गया गुस्सा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक लॉ पास कर दिया जिसका नाम था रॉयल एक्ट एक्ट। तो रॉयल एक्ट एक्ट एक कानून था जो कि 1919 में पास किया गया था। ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जो कि उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इंडिया के अंदर। इस लॉ की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस पावर मिल जाती है। तो ये लॉ क्या कहता था कि जो भी व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते पाया जाएगा तो उसको सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। मतलब उसको कोई मौका नहीं दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने का। ये लॉ इंडियंस के लिए इतना ख़राब था कि इस लॉ को ब्लैक लॉ भी बोला जाता था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको जिस किसी पर भी शक होता था वो उसको सीधा जेल में डाल देती थी 2 साल के लिए, चाहे वो कोई आम नागरिक हो और चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो। तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो गांधी जी थे वो अपना सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च करते हैं इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसको बोला गया रॉलेट सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह था वो नेशन वाइड सत्याग्रह था। मतलब अभी तक जो सत्याग्रह हो रहे थे वो देश के अलग अलग रीजन्स में हो रहे थे, पर ये जो सत्याग्रह था वो पूरे नेशन के लिए था, यानी कि पूरी कंट्री के लिए था। तो इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं गांधी जी 6 अप्रैल से। गांधी जी क्या कहते हैं कि हम 6 अप्रैल को पूरे देश के अंदर हड़ताल करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो गांधी जी के कहने पर पूरा देश जो है वो 6 अप्रैल को हड़ताल करने लगता है। इस हड़ताल के चलते रेलवे वर्कशॉप और दुकानों को बंद कर दिया जाता है, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं, देश के अलग अलग शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ये देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो डर जाते हैं, उन्हें डर था कि कहीं ये लोग कम्युनिकेशन लाइन को ख़राब ना कर दें। इससे बचने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ना शुरू कर देती है। अमृतसर के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन 10 अप्रैल को जो ब्रिटिश पुलिस होती है वो अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला देती है। इसके बाद लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो बैंकों पर, पोस्ट ऑफिसेस पर, रेलवे स्टेशंस पर हमला कर देते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इन हमलों को देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ लगने के बाद अब जो पावर थी वो मिलिट्री के पास पहुंच जाती है, और उस समय पर मिलिट्री की जो कमांड थी वो थी जनरल डायर के पास। अब होता क्या है कि 13 अप्रैल का दिन था, इस दिन बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इस बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, तो ज़्यादातर लोग बैसाखी का मेला मनाने के लिए आए थे। ये लोग इनोसेंट थे, इन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ नाम का कोई लॉ लगा हुआ है। तो ये सारे लोग चैन से बैसाखी का मेला मना रहे थे, पर इस बाग में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रॉयल एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब जनरल डायर को ये सब पता चला कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो अपनी मिलिट्री के साथ आता है और बाग के सारे दरवाजों को बंद करवा देता है और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिस वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। इसी इंसिडेंट को बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, हड़तालें होने लगती हैं, जनता और पुलिस के बीच में क्लैशेस होने लगते हैं, लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर देते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होने लगती है। ये देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो भी उतनी ही सख्ती से इंडियंस को दबाना शुरू कर देती है। उन पर नाक रगड़वाई जाती है, उन्हें क्राउल कराया जाता है, उन्हें सल्यूट करने के लिए फोर्स किया जाता है, लोगों को कोड़े मारे जाते हैं, कई सारे गांवों के ऊपर बम गिराए जाते हैं। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे वॉयलेंस हो, यानी कि लड़ाई दंगे हो।
ये सब देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और वो रॉलेट सत्याग्रह को बंद करा देते हैं और अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी को लगता है कि अगर हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है तो हमें और बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है, पर इसके लिए हिंदू और मुस्लिम का एक होना ज़रूरी है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गए तो जो मूवमेंट होगा वो और बड़ी स्केल पर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक कैसे होते हैं। जो हिंदू थे वो डिमांड कर रहे थे स्वराज की, यानी कि इंडिपेंडेंस की, और वो लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वहीं जो मुस्लिम थे वो उस समय पर खिलाफत इशू पर काम कर रहे। तो ये खिलाफत इशू क्या था? देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी। ऐसे ही जो ब्रिटेन था और जो टर्की था वे भी आपस में लड़ रहे थे। उस समय पर टर्की का जो राजा था वो था कैलिफेट, जिसे हिंदी में बोला जाता है खलीफा। ये जो राजा था वो इस्लामिक हेड माना जाता था और जितने भी मुस्लिम्स थे वो इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो होता क्या है कि इस वॉर में टर्की हार जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है। अब जनता में एक अफवाह फैलने लगती है कि जो ब्रिटेन है वो टर्की के राजा के ऊपर, यानी कि खलीफा के ऊपर, एक खास ट्रीटी इम्पोज करने वाला है। मतलब ऐसे कानून लाने वाला है जो कि खलीफा के लिए बहुत बुरे होंगे। तो इस बात से जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उनके जो हेड है खलीफा, उनके ऊपर एक खास ट्रीटी इम्पोज की जा रही है। इस बात से जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि हिंदूज की दुश्मनी ब्रिटिशर्स के साथ थी और अब मुस्लिम्स की दुश्मनी भी किससे हो गई थी? ब्रिटिशर्स से हो गई थी। तो जब यहाँ पर हमारा दुश्मन एक था तो क्यों ना दोस्त बना जाए। गांधी जी को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए। तो होता क्या है कि मार्च 1919 में बॉम्बे के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ये फॉर्म की जाती है कई सारे मुस्लिम लीडर्स के द्वारा, जिनमें से दो मेन लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों क्या करते हैं, ये गांधी जी के साथ डिस्कशन करते हैं कि मास एक्शन की गुंजाइश है कि नहीं, मतलब हम बड़ी तादाद में आंदोलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ये दोनों कम्युनिटी आपस में मिल गई तो आंदोलन बहुत बड़ी स्केल पर होगा और फिर तुम अपने खिलाफत इशू को निपटा लेना और हम अपने स्वराज इशू को निपटा लेंगे, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर डिस्कशन चलता है और फाइनली सितंबर 1920 में कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें गांधी जी कन्वेंस कर लेते हैं अदर कांग्रेस लीडर्स, और इस सेशन के बाद हिंदू और मुस्लिम लीडर्स एक हो जाते हैं और फिर एक नया आंदोलन शुरू करने का विचार करते हैं जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही शुरू करना क्यों चाहते थे, वाई नॉन कोऑपरेशन? तो इसका आंसर गांधी जी ने बहुत पहले ही दे दिया था। गांधी जी ने 1909 में अपनी बुक हिंद स्वराज में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इसलिए रूल कर पाए क्योंकि लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट किया था, यानी कि उनका सहयोग किया था, और अगर इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो एक साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और हमारे देश के लोगों को स्वराज मिल जाएगा। इसलिए गांधी जी चाहते थे इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें, इसलिए गांधी जी मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। अब देखते हैं इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए गांधी जी क्या कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट के दिए हुए जो टाइटल्स हैं उनको सरेंडर करना होगा। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको बायकॉट करना होगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, इन सबको छोड़ना पड़ेगा, ना ही इन सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इन सर्विसेज के लिए काम करेंगे। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इस आंदोलन के खिलाफ कुछ एक्शन लेती है या दबाने का प्रयास करती है तो फिर हम एक फुल सिविल डिसोबिडेंस कैंपेन भी चलाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो 1920 की गर्मियों के दौरान गांधी जी और शौकत अली ये दोनों ही निकल पड़ते हैं देश की अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर जोड़ा जा सके, ताकि मूवमेंट बड़ी स्केल पर हो सके। पर दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी? तो इसके कुछ कारण थे। पहला कि गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश की सारी सर्विसेज को बायकॉट कर देना चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस थी वो नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हमारे पास कुछ पावर आ जाएंगी गवर्नमेंट की और फिर हम कुछ चेंजेस कर सकेंगे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के अंदर।
दूसरा, कांग्रेस को ये डर था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वॉयलेंस क्रिएट करेगा। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो कांग्रेस थी वो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें जो कांग्रेस होती है वो उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि उसको अडॉप्ट कर लेती है। मतलब अब आंदोलन करने के लिए गांधी जी को मुस्लिम्स का सपोर्ट भी मिल गया था और कांग्रेस का सपोर्ट भी मिल गया था। मतलब अब गांधी जी पूरी तरीके से तैयार थे आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। तो फाइनली जनवरी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। सेकंड टॉपिक है हमारा डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ता है और इस आंदोलन के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स, मतलब टाउन्स यानी कि शहरों में ये आंदोलन किस तरीके से होता है। तो टाउन्स के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था मिडिल क्लास लोगों ने। तो देखो टाउन्स में होता क्या है, तो इस मूवमेंट के चलते टाउन्स में रहने वाले हज़ारों बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। टीचर्स और हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस देना बंद कर दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया। फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स को प्रिट कर दिया गया, मतलब लोगों को लिकर शॉप में जाने से रोक दिया गया। और फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया गया। अब इन सब कारणों की वजह से होता क्या है कि इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स आधा हो जाता है। मतलब फॉरेन से जो कपड़े आते थे वो 1921 एंड 1922 के बीच में उनका इम्पोर्ट आधी मात्रा में होने लगता है। और जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते हैं वो फॉरेन गुड्स को खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं, जिस वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि काफ़ी मात्रा में स्वदेशी कपड़ों का बनना शुरू हो जाता है। और अब जो इंडियन लोग थे वो फॉरेन क्लॉथ्स को छोड़कर इंडियन क्लॉथ्स यानी कि खादी कपड़ों को पहनना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो शहरों के अंदर बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। धीरे धीरे क्या होता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो शहरों के अंदर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, यानी कि स्लो डाउन होने लगता है। अब स्लो डाउन क्यों होने लगता है, तो इसके पीछे कारण थे। पहला कारण था कि जो इंडियन क्लॉथ थे यानी कि जो खादी क्लॉथ्स थे वो बहुत महंगे थे, क्योंकि उन्हें हाथों से बनाया जाता था। इसलिए जो गरीब लोग थे उन्हें मजबूरी बस फॉरेन क्लॉथ्स को खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि वो सस्ते थे, क्योंकि वो मशीन से बनते थे। दूसरा कारण था कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कमी थी, मतलब कि इंडिया के खुद के कोई स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थे, सब ब्रिटिशर्स के थे। तो उस समय पर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मजबूरी में आकर फिर से गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। सिमिलरली जो लॉयर थे उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वे भी मजबूरी में आकर गवर्नमेंट कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से जो ये मूवमेंट था वो सिटीज़ के अंदर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था, यानी कि स्लो डाउन होने लगा था। रिवेलियन इन कंट्री साइड। अब हम देखते हैं कि कंट्री साइड में यानी कि ग्रामीण इलाकों में ये मूवमेंट किस तरीके से चल रहा था। तो ग्रामीण इलाकों में दो आंदोलन चल रहे थे, एक था पीजेंट्स का यानी कि किसानों का और दूसरा था ट्राइबल पॉपुलेशन का यानी कि आदिवासी लोगों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसानों का आंदोलन। तो इसके लिए हम देखते हैं अवध का केस। तो सिचुएशन क्या थी कि जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। किनसे परेशान थे, तुलकदारों जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनसे परेशान थे। अब क्यों परेशान थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेंट चार्ज करते थे किसानों से, और वे बेगार भी कराते थे, मतलब कि किसानों पर काम भी कराते थे और उसका उन्हें कोई पैसा भी नहीं देते थे। ये समस्या केवल अवध की नहीं थी बल्कि पूरी कंट्री की थी, लेकिन फ़िलहाल हम अवध का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए हम अवध की बात करते हैं। तो जो सारे किसान होते हैं वो डिमांड करते हैं किस चीज़ के लिए, पहला कि रेंट कम कर दिया जाए, दूसरा बेगार को ख़त्म कर दिया जाए, और तीसरा जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। और इन सब में किसानों की मदद करते हैं बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे जिन्होंने फीजी में एज ए इंडेंचुरल लेबर काम भी किया था। तो बाबा रामचंद्र और सारे किसान मिलकर जो तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, ये करते हैं नाई धोबी बंद, मतलब जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनको बेसिक सर्विसेज देना बंद कर देते हैं, जैसे कि जो बारबर्स थे वो इनके बाल काटना बंद कर देते हैं, और जो वॉशरमैन थे वो इनके कपड़े धोना बंद कर देते हैं। मतलब जो बेसिक सर्विसेज होती हैं उन्हें ही देना बंद कर देते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नाई धोबी बंद, समझ रहे हो, नाई धोबी बंद। अब यहाँ पर एक नए लीडर की एंट्री होती है जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ये दोनों मिलकर एक किसान सभा भी बनाते हैं जिसका नाम था अवध किसान सभा, जो कि किसानों की मदद के लिए अक्टूबर 1920 में बनाई गई थी। ये सभा इतनी अच्छी साबित हुई कि एक महीने में इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल जाती हैं आसपास के गांवों में। तो दोस्तों, ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा था वो धीरे धीरे वॉयलेंट होने लगता है। जो स्मॉल पीजेंट्स होते हैं वो तुलकदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक कर देते हैं, बाजारों को लूट लेते हैं, ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और तो और जो लोकल लीडर्स थे वो ऐसी अफवाह फैला रहे थे कि गांधी जी ने कहा है कि छोटे किसान बड़े किसानों की ज़मीनें छीन लें। मतलब जो कोई भी कुछ भी कर रहा था वो ये कह रहा था कि हम तो गांधी जी के कहने पर कर रहे हैं। तो देखा आपने, धीरे धीरे जो मूवमेंट था वो बॉयलेंट होने लगा था, जिस वजह से गांधी जी को और अदर कांग्रेस लीडर को इस बात से बहुत बुरा लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर भी ये मूवमेंट स्लो होने लगता है। अब हम देखते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन में ये मूवमेंट किस तरीके से चलता है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है गोडेम हिल्स के नाम से। वहाँ क्या होता है कि वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, वो अंग्रेज़ों से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी फॉरेस्ट एरियाज़ क्लोज कर दिए थे, मतलब उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया था। और आप तो जानते ही हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो जंगलों पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। उन्हें लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चाहिए होते हैं, कैटल्स को चराने के लिए जगह चाहिए होती है, और ये सब उन्हें जंगलों से ही तो मिलता है। इसलिए उनका जो लाइवलीहुड था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि जो आदिवासी लोग थे वो कई पीढ़ियों से जंगलों में रहना अपना अधिकार समझते थे। उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनसे उनका अधिकार छीन रहे। ऊपर से उन्हें बेगारी कराने के लिए भी प्रेशराइज किया जाता था, मतलब बिना पैसों के काम कराने के लिए भी फोर्स किया जाता था। इस बात से जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उन्हें ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इनकी मदद के लिए एक व्यक्ति उभर के आते हैं जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। ये क्लेम करते थे कि इनके पास स्पेशल पावर्स हैं प्रेडिक्शन करने की, यानी कि भविष्यवाणी करने की, और ये कहते थे कि गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ये सबसे बोलते थे कि खादी कपड़े पहनना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर ये गांधी जी की एक बात के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कहते थे कि देश को अगर आज़ादी दिलानी है तो वो नॉन वॉयलेंस से नहीं दिलाई जा सकती, बल्कि उसके लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, यानी कि लड़ाई वगैरह लड़नी पड़ेगी। तो अलूरी सीताराम राजू और सारे आदिवासी लोग मिलकर 1920 में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था गोरिल्ला मूवमेंट। इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं पुलिस स्टेशंस पर और कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1924 में क्या होता है कि जो अलूरी सीताराम राजू थे वो पकड़े जाते हैं ब्रिटिश पुलिस के द्वारा और उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन तब तक वो लोगों के लिए एक फॉक हीरो बन गए थे। आज भी गोडेम हिल्स के जो लोग हैं वो इन्हें याद करते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन। दोस्तों, पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग असम में एज अ प्लांटेशन वर्कर काम किया करते थे टी गार्डन्स में। तो 1859 में क्या हुआ था कि एक इनलैंड इमिग्रेशन नाम का एक एक्ट पास हुआ था जिसके मुताबिक कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स विदाउट परमिशन के टी गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन जब वर्कर्स को पता चला कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है तो बहुत सारे वर्कर्स प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन जब ये अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में ही ब्रिटिश पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने अलग अलग जगहों के मूवमेंट के बारे में देखा। हमने सिटीज़ के मूवमेंट को देखा, गांव के मूवमेंट्स को देखा, ट्राइबल और प्लांटेशन वर्कर्स के मूवमेंट को देखा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि लोग गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट कर रहे थे। सब लोग अलग अलग तरह से सोच रहे थे, सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। और हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे ये मूवमेंट वॉयलेंट होने लगा था, यानी कि हिंसक होने लगा था। इसी दौरान 1992 में क्या होता है, एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो जो वहाँ की लोकल पुलिस थी वो इनके ऊपर अटैक कर देती है, यानी कि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। इस बात से लोगों को पुलिस पर गुस्सा आ जाता है और कुछ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं जिसमें कुछ पुलिसमैन भी मर जाते हैं। ये सब वॉयलेंस को देखकर गांधी जी को और बुरा लगता है और वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि बंद करा देते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो ख़त्म हो जाता है। थर्ड टॉपिक है हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद
गांधी जी को ये समझ में आ जाता है कि कोई भी मास स्ट्रगल करने से पहले लोगों को प्रॉपरली ट्रेन होना ज़रूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट किस तरीके से करना है और मूवमेंट का मकसद क्या है, ताकि लोग पहले की तरह गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करें। अब दोस्तों क्या होता है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स को ये लगता है कि हमें मास स्ट्रगल करने की बजाय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम काउंसिल में ही रहकर ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं। तो इसके लिए दो लीडर्स थे जिनका नाम था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। लेकिन दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर लोगों को पूर्ण स्वराज दिलाना है तो उसके लिए और बड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, ना कि इलेक्शन लड़ने की। लेकिन दोस्तों उस समय पर इंडिया की सिचुएशन कुछ और चल रही थी। दोस्तों दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारे पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा सेव किया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। पहला फैक्टर था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। हमने इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा था। ये स्टार्ट हुआ था 1929 में। तो इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इंडिया के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। क्या इम्पैक्ट पड़ा था? पहला कि इस डिप्रेशन के चलते इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइसेस बिल्कुल ही कम हो जाती है। दूसरा, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, जिस वजह से जो किसान थे वो अपनी फसलें नहीं बेच पा रहे थे और ना ही ब्रिटिशर्स को टैक्स दे पा रहे थे। दूसरा फैक्टर था साइमन कमीशन। देखो क्या था कि ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट थी जिसका नाम था टोरी गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक कमीशन बनाती है 1927 में, यानी कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाती है। इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे वो थे सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन को बोला गया साइमन कमीशन। ये कमीशन क्यों बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना और कुछ चेंजेस को सजेस्ट करना, क्योंकि इंडियन लोग पुराने ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। पर इस कमीशन में एक प्रॉब्लम थी कि इसमें 7 मेंबर थे और 7ों मेंबर ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। तो ये बात इंडियंस को सही नहीं लग रही थी कि एक तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ रहे हैं और ऊपर से उसमें इंडिया का कोई भी मेंबर ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो जब ये कमीशन 1928 में इंडिया आता है तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सारे लोग मिलकर साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और जोरों शोरों से नारा लगाते हैं गो बैक साइमन, यानी कि साइमन तुम वापस चले जाओ। इतना हंगामा देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कहीं सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। तो उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वाइस रॉय था वो था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें दो ऑफर देता है। पहला ऑफर देता है इंडिया के डोमिनेशन स्टेटस का, मतलब लॉर्ड इरविन कहता है कि आप इंडिया का डोमिनेशन स्टेटस ले लो, मतलब आप ही लोग रूल करना, आप ही लोग सब कुछ करना, लेकिन इंडिया रहेगा ब्रिटिशर्स के ही अंडर में। और दूसरा ऑफर देता है कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दो ऑफर देता है। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इन दोनों ऑफर से खुश नहीं थी, स्पेशली जो रेडिकल्स थे, यानी कि जो गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे कांग्रेस के अंदर, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये कह रहे थे कि हमें डोमिनेशन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें छोटी मोटी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी बात को इन दिसंबर 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन पास करते हैं और ऑफिशियली डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की। और ये ऐलान करते हैं कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और हम आज़ादी की लड़ाई के लिए शपथ भी लेंगे। पर अफसोस इस बात को ज़्यादा टेंशन नहीं मिलता है और बहुत कम ही लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। ये सब देखकर गांधी जी को लगा कि पहले लोगों को एकजुट करना ज़रूरी है, तब जाकर कुछ अच्छा मूवमेंट हो पाएगा। तो इस समय पर गांधी जी को एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जिससे लोगों को यूनाइट किया जा सके, यानी कि लोगों को एकजुट किया जा सके। तो ये सारी खूबियाँ गांधी जी को दिखती हैं नमक में। गांधी जी को लगा कि सॉल्ट एक अच्छा सिंबल बन सकता है लोगों को यूनाइट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने नमक में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने इसे पावरफुल सिंबल बना दिया कंट्री को यूनाइट करने के। तो इसमें तीन पॉइंट है। पहला कि नमक हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। दूसरा कि पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नमक पर काफ़ी सारा टैक्स लेती थी,
और सॉल्ट का प्रोडक्शन भी केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती थी, इंडियंस नहीं कर सकते थे। मतलब समझ रहे हो, हमारे ही नमक पर टैक्स ले रहे थे और ऊपर से हमें नमक भी नहीं बनाने दे रहे थे। तो ये समस्या पूरे देश की थी, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना देश को यूनाइट करने के लिए। तो गांधी जी क्या करते हैं, 31 जनवरी को एक लेटर लिखते हैं वायसराय लॉर्ड इरविन के लिए, जिसमें गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स को रखते हैं जो कि सोसाइटी की अलग अलग समस्याओं के ऊपर थी, जिसमें से कुछ डिमांड्स सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड भी थी। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि अगर हमारी डिमांड्स 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो हम सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जो लॉर्ड इरविन था वो गांधी जी को हल्के में ले लेता है, मतलब उनकी डिमांड्स को नज़रअंदाज कर देता है। तो जब गांधी जी की डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं सॉल्ट मार्च, जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। तो गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ निकल पड़ते हैं। तो ये चलना शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से, इन्हें पहुंचना था डांडी जो कि गुजरात में है। ये पूरी यात्रा थी 240 माइल्स की। तो गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स पर डे 10 माइल चलते थे। ये यात्रा पूरे 24 दिन तक चलती है और फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी और अन्य लोग डांडी पहुंच जाते हैं। और वहां पर गांधी जी गैर कानूनी तरीके से नमक बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की। अब सवाल ये उठता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, यानी कि जो पहले का मूवमेंट था, और जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है, इसमें क्या अंतर है? देखो, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें क्या था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ केवल कोऑपरेट नहीं करना था, केवल इतना ही था। वही जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट भी नहीं करना है और साथ में हमें उनके कानूनों को भी तोड़ना है। चूँकि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी, तो उन्हें देखकर देश की अलग अलग जगहों पर भी लोग नमक कानून को तोड़ने लगते हैं। लोग फॉरेन क्लॉज को बाइकआउट करने लगते हैं, लिकर शॉप्स को पिक कर देते हैं, और जो पीजेंट्स थे वो चौकीदारी टैक्स देना बंद कर देते हैं। और दोस्तों, जो ट्राइबल लोग थे वो फॉरेस्ट लॉज को तोड़ देते हैं, मतलब जंगलों में घुसना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट शांत तोड़ना रहेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ क्या करती है, एक एक करके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि आंदोलन कर रहे थे, उनको अरेस्ट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वॉयलेंट क्लैशेस होने लगते हैं। गवर्नमेंट लोगों को ब्रूटली मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फर खान, जो कि पेशावर में आंदोलन कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और बाद में जाकर महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब देखकर जनता और भी ज़्यादा भड़क जाती है और काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस होने लगता है। इंडिया के लगभग 100,000 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ये सब देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। गांधी जी वॉयलेंस बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी जी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को भी कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। और एक पैक्ट साइन होता है, यानी कि एक समझौता होता है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसे बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। तो इस समझौते में होता क्या है कि गांधी जी से बोला जाता है, यानी कि लॉर्ड इरविन गांधी जी से कहता है कि उनको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है कि जिन पॉलिटिकल लीडर्स को आपने अरेस्ट करके रखा है उनको रिलीज करना होगा। तो ये दोनों लोग राजी हो जाते हैं। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी जी जाते हैं लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जैसा कि समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के साथ। लेकिन अफसोस, वहाँ पर गांधी जी की कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। यानी कि गांधी जी जब लौट कर आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। और जब वो लौट कर आते हैं तब वो ये भी देखते हैं कि जो गफ्फर खान थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अभी भी जेल में थे, और इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। मतलब गांधी जी की गैर मौजूदगी का ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया था। ये सब देखकर गांधी जी को लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम फिर से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। और गांधी जी ये मूवमेंट लॉन्च भी करते हैं। लेकिन अफसोस, 1934 तक जो मूवमेंट था वो अपना सारा मोमेंटम लूज कर चुका था। हाउ पार्टिसिपेंट सो द मूवमेंट, मतलब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो अलग अलग ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में किस किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिच पीजेंट्स के बारे में, मतलब कि जो रईस किसान थे, जैसे कि पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी। तो इनके साथ क्या था, ये जो लोग थे वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, मतलब पैसे कमाने के लिए फसलें उगाते थे। तो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो जो ये रिच पीजेंट थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन के चलते फसलों के दाम गिर गए थे,
इसलिए इनकी इनकम भी कम हो गई थी, जिस कारण से जो रिच पीजेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स को टैक्स से रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में। और ये क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि इन्हें हाई रेवेन्यू को कम करवाना था, लेकिन इन्हें इस बात से बहुत बुरा लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं इस बात से कि जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट होता है वो बंद कर दिया जाता है 1931 में, और उनका जो रेवेन्यू रेट था वो भी कम नहीं हुआ था। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया तो इन लोगों ने 1932 में फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये सोच रहे थे कि कोई फ़ायदा ही नहीं होता तो क्यों करें पार्टिसिपेट। तो अब हम देखते हैं पुअर पीजेंट्स के बारे में, यानी कि जो पुअर पीजेंट्स थे यानी कि जो गरीब किसान थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था और क्यों किया था। तो जो पुअर पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, उनके पास खुद की ज़मीन तो होती नहीं थी, इसलिए वे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनकी ज़मीन पर खेती करते थे और उनके बदले में उन्हें रेंट देते थे। तो जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो कंटिन्यू था, जिस वजह से जो स्मॉल पीजेंट्स थे वे लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं दे पा रहे थे। तो जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये डिमांड करते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इनके अनपेड रेंट को माफ़ कर दे, यानी कि जो बकाया रेंट है उसको माफ़ कर दे। लेकिन दोस्तों जो कांग्रेस थी वो इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ये इन रिच पीजेंट्स यानी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनसे बिगाड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर ये पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे कहीं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, इस डर से ये पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करते। अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस क्लास थी उसने किस तरीके से और क्यों पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों जो बिजनेस क्लास थी, जैसे कि जो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनकी उस समय पर दो समस्याएं चल रही थी। पहली कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ऐसी पॉलिसीज बना रखी थी जो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती थी, मतलब ऐसे कानून बना रखे थे जिससे बिजनेसमैन खुल के बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लाइक दैट। तो ये चाह रहे थे कि ऐसी पॉलिसीज़ को हटना चाहिए जो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। दूसरी समस्या थी कि इंडिया में बाहर से फॉरेन गुड्स इम्पोर्ट होता था, जिस वजह से जो बिजनेस क्लास थी उसे बहुत ज़्यादा लॉस होता था, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स होते थे वो बहुत सस्ते होते थे, तो ऐसे में इनका सामान तो कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए जो बिजनेस क्लास थी वो ये चाह रही थी कि जो फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में वो रोक दिया जाए। इसके लिए जो बिजनेस क्लास थी वो दो फेडरेशन भी बनाती है, जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कि 1920 में बनाई गई थी, और दूसरी थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि FICCI, फिक्की, जो कि 1927 में बनाई गई थी। और दोस्तों दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि बिजनेस क्लास को लीड कर रहे थे, जिनका नाम था परसोत्तम दास ठाकुर दास एंड GD बिरला। तो जब 1930 में सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है तो जो बिजनेस क्लास थी वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। ये क्या करते हैं, जो बाहर से सामान इम्पोर्ट होता था उसे खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं, और साथ में ये मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए पैसे वगैरह देते हैं। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को। तो दोस्तों जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, एक्सेप्ट नागपुर रीजन। और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो गांधी जी के प्रोग्राम्स को फॉलो करते थे, लाइक बायकॉट, फॉरेन गुड्स प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स को फॉलो करते थे। तो उनके लिए उनका मूवमेंट ये था कि उनको जो कम वेजेस मिलती हैं वो बढ़ा दी जाएँ और पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। बट दोस्तों जो कांग्रेस थी वो इनको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि मूवमेंट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कांग्रेस ये सोच रही थी कि कहीं वर्कर्स को सपोर्ट किया तो कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सपोर्ट वापस ना ले ले, इसलिए कांग्रेस वर्कर्स को सपोर्ट कर ही नहीं रही थी। अब हम देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। तो वुमेंस ने भी खूब पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट जब गांधी जी डांडी मार्चेस कर रहे थे तो जब भी वो थोड़ा बहुत रुकते थे तो हजारों महिलाएं घर से बाहर आ जाती थी गांधी जी को सुनने के लिए। वुमेंस ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट मार्चेस में, इलीगल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में, और इन सब के लिए कई सारी महिलाएं जेल भी गई थी। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट में वुमेंस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में कमी कहाँ रह गई थी। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में सबने पार्टिसिपेट किया हो, बल्कि दो ऐसे ग्रुप्स भी थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था।
पहला था दलित्स का और दूसरा था मुस्लिम्स का। इन दोनों ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं दलित्स के बारे में कि उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका रीज़न था कि दलित्स ने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि जो कांग्रेस थी वो दलित्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि इग्नोर कर रही थी। क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि कहीं अगर उन्होंने दलित्स को सपोर्ट किया तो जो हाई क्लास हिंदू हैं वो ऑफेंड ना हो जाए, यानी कि बुरा ना मान जाए। क्योंकि उस समय पर जो हाई क्लास हिंदू थे उनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था मूवमेंट के अंदर, इसलिए कांग्रेस दलित्स को सपोर्ट करके इन हाई क्लास हिंदूज के साथ बिगाड़ना नहीं चाह रही थी। और दोस्तों यही वो रीज़न था जिस वजह से जो कांग्रेस थी वो दलित्स को सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। लेकिन दोस्तों भले ही कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन दोस्तों जो गांधी जी थे वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे दलित्स लोगों को। गांधी जी कहते थे कि जो दलित्स हैं वो हरिजन्स हैं, यानी कि भगवान की संतान। और गांधी जी ये भी कहते थे कि अगर हमने सोसाइटी से इस अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की जो सोच है उसे नहीं बदला तो हमें कभी भी स्वराज नहीं मिलेगा। इसलिए जो दलित्स लीडर थे वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, मतलब एक अलग से इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे दलित्स के लिए। तो जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो भी दलित्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हाँ दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। इसके लिए B.R. अम्बेडकर जी ने दलित्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो कि 1930 में बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों जो गांधी जी थे वो खुश नहीं थे। गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे दलित्स को नो डाउट, पर गांधी जी को इस बात से बुरा लग रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जा रही है, क्योंकि गांधी जी लोगों को जोड़ना चाहते थे ना कि तोड़ना चाहते थे। गांधी जी का मानना ये था कि दलित्स को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो इससे सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो गांधी जी अपनी बात मनवाने के लिए फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट करते हैं, मतलब गांधी जी खाना वगैरह छोड़ देते हैं, कहते हैं कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। सारे लोग गांधी जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे इसलिए वे मान जाते हैं। फिर क्या होता है, एक पूना पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 में, मतलब कि एक समझौता होता है अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जिसमें गांधी जी प्रॉमिस करते हैं कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं पर मैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व ज़रूर करवा दूंगा प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तभी आप देखते होंगे कि जो बैकवर्ड क्लास होती हैं जैसे कि SC ST, तो इन्हें आज भी रिजर्वेशन मिलता है, तो ये पूना पैक्ट के ही कारण हो पाया था। अब हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसके पीछे कारण थे। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब हिंदूज और मुस्लिम एक साथ स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब यूनाइटेड थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में टेंशन बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर यानी कि धर्म के बेसिस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनने लगते हैं। जैसे कि हिंदुओं के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था हिंदू महासभा करके, और मुस्लिम्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था मुस्लिम लीग करके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब पावर में आने लगे तो इन दोनों कम्युनिटीज़ में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। लेकिन 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अलायंस बनाना चाहा ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जा सके। मुस्लिम कम्युनिटी के एक लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये डिमांड करते हैं एक सेपरेट इलेक्टोरेट की। बट जो कांग्रेस थी वो इसके लिए राज़ी नहीं होती है, वो कह रही थी कि सबके लिए जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ना कि अलग से कोई इलेक्टोरेट होना चाहिए। तो बहुत कन्वेंस करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना तैयार हो जाते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए, पर इनकी कुछ कंडीशंस थी। जैसे कि वो चाहते थे कि सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाए, और बंगाल और पंजाब में जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से सीट मिले। मगर कांग्रेस ने इन कंडीशंस को नहीं माना, जिस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में दूरियां बढ़ती गई। इसलिए जब 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया तब मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। लास्ट टॉपिक है हमारा द सेंस ऑफ कलेक्टिव ब्लॉगिंग, मतलब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव ब्लॉगिंगनेस कैसे आती है, मतलब सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा होता है। तो इसमें 5 पॉइंट है। पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल। उस समय पर क्या था कि सब लोगों का एक ही मकसद था कि इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराना, तो यानी कि यहाँ पर सबका एक ही विज़न था। तो सभी लोग मिलकर स्ट्रगल करते हैं जिस वजह से लोग यूनाइट होने लगते हैं, लोगों में यूनिटी की फीलिंग्स आने लगती हैं। दूसरा है कल्चरल प्रोसेसेस। दोस्तों लोगों ने अपने देश के कल्चर के साथ रिलेट करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी फोक स्टोरीज, फोक सॉन्ग, रीजनल लैंग्वेज,
इन सब के चलते लोग अपने कल्चर्स के साथ जुड़ने लगते हैं, यानी कि अपने कल्चर के साथ रिलेट करने लगते हैं। तीसरा है फिगर्स एंड इमेजेस। 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे वो कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग एलोगोरीज के थ्रू, जैसे कि जर्मनी की एलोगोरी थी जर्मेनिया, फ्रांस की एलोगोरी थी मैरियन। तो इस तरीके से कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता था अलग अलग फिगर्स और पेंटिंग्स के थ्रू, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से 20th सेंचुरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है भारत माता से। भारत माता की इमेज सबसे पहले बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उन्होंने भारत माता की सराहना में एक गीत भी लिखा था जिसका नाम था वंदे मातरम। इस सॉन्ग को उन्होंने अपनी नोवेल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया था। इनफैक्ट जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चला था तब बढ़ चढ़ के लोगों ने वंदे मातरम सॉन्ग को गाया था, और बाद में जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई जिसमें जो भारत माता थी काम, कंपोज्ड और डिवाइन एंड स्पिरिचुअल दिखाई दे रही थी। फोर्थ है फ्लैग। तो फ्लैग की वजह से भी इंडियन लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस जागती है, क्योंकि जो फ्लैग होता है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे देश के लिए भी अलग अलग फ्लैग बन रहे थे, जैसे कि बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो एक फ्लैग बनाया गया था जिसमें तीन कलर थे ग्रीन, येलो और रेड, और इसमें ऊपर की साइड 8 लोटस थे जो कि 8 प्रोविंसेस को दर्शा रहे थे। बाद में जाकर 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया था जिसमें रेड, ग्रीन, वाइट तीन कलर थे, और बीच में एक स्पिनिंग व्हील था जो कि सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। फिफ्थ है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब लोगों को समझ में आया कि एंशियंट टाइम में हमारा देश बहुत डेवलप्ड था हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट एंड एग्रीकल्चर हो, रिलीजन एंड कल्चर हो, सब कुछ बहुत अच्छा था, हमारी हिस्ट्री बहुत गजब की थी, लेकिन जब से ये अंग्रेज़ आए हैं तब से हमारा कल्चर डिक्लाइन होता गया है, यानी कि गिरता चला गया है। तो अगर हमें बापू से पहले जैसी तरक्की चाहिए तो सबसे पहले तो हमें ब्रिटिश रूल से इंडिया को आज़ादी दिलानी होगी। तो इस तरीके से लोगों में अपनेपन का भाव आने लगता है, और धीरे धीरे नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो स्प्रेड होने लगती है, और बाद में जाकर हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 10th की वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।